नमस्कार। हिमाचल कला भाषा एवं संस्कृति अकादमी हिमाचल प्रदेश साहित्य कला संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज जहां कोरोना नामक महामारी से पूरा विश्व ग्रस्त है, वहीं हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। ऐसे में हिमाचल कला भाषा एवं संस्कृति अकादमी साहित्य कला एवं संवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। लॉकडाउन के इस माहौल में साहित्यकार, कलाकार एवं छात्र लोगों को संदेश देकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। आज के संक में हम हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र के छात्रों से मिलेंगे और जानेंगे कि उनका इस विषय में क्या कहना है। नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी को YouTube चैनल के माध्यम से, जो उन्होंने साहित्य को आम जन तक पहुंचाने की ये नवीन मुहिम शुरू की है, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देती हूँ। आज सारा विश्व महामारी से जूझ रहा है और ये घड़ी हम सब के धैर्य, संयम, इंसानियत व देश के प्रति हमारे दायित्व की परीक्षा की घड़ी है। मेरे जैसे कई प्रवासी भारतीय आज अपने देश, अपने प्रदेश के लिए उतने ही चिंतित हैं जितने कि अपने लिए। परंतु मेरा यह मानना है कि प्रकृति रचयिता ने अनथक दौड़ती भागती इंसानी नस्ल के समक्ष जो ये विराम चिन्ह लगाया है, वह हम सबको आत्मचिंतन की ओर भी संकेत देता है। परंतु वक्त का एक नियम है, वह कभी एक जगह ठहरता नहीं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। तो यह बुरा वक्त भी बहुत जल्द ही गुजर जाएगा और आने वाला समय सुखद होगा। इसी मनोकामना के साथ मैं आज वक्त पर ही कुछ पंक्तियां कहूंगी। है जो साक्षी प्रत्येक कृत्य का, है जो साक्षी प्रत्येक कृत्य का, गवाह भूत का, वर्त का, भविष्य का। नले विश्राम, नले विश्राम, एक क्षण ना सुप्त, यह वक्त, यह वक्त, यह वक्त। आज तेरा है, कल होगा मेरा ये वक्त। आज तेरा है, कल होगा मेरा ये वक्त। समंदर को कर देता सहरा ये वक्त। जिसने समझा इसे उसको प्यारा ये वक्त। जिसने समझा इसे उसको प्यारा ये वक्त। है जीवन उसी का सवारा ये वक्त। है जीवन उसी का सवारा ये वक्त। आसमां की बुलंदी को छू लो अगर, आसमां की बुलंदी को छू लो अगर, न करना गरूर उस पे इतना मगर। न देगा संभलने का मौका तुम्हें, न देगा संभलने का मौका तुम्हें। उड़ते परिंदे को जमीन पे गिराता ये वक्त। उड़ते परिंदे को जमीन पे गिराता ये वक्त। जो डूबे हुए हैं नशे में अहम के, जो डूबे हुए हैं नशे में अहम के, है दर उनका भी खटखटाता ये वक्त। जो सुनकर भी कर दे अनसुना सा इसे, जो सुनकर भी कर दे अनसुना सा इसे। मैं क्या हूँ उन्हें तब बताता ये वक्त, मैं क्या हूँ उन्हें तब बताता ये वक्त। और मौसमों से है मिलता कुछ इसका मिजाज, मौसमों से है मिलता कुछ इसका मिजाज। कब कहाँ एक जगह ठहरा ये वक्त, कब कहाँ एक जगह ठहरा ये वक्त। रंग इंसान में भी रह बदलता है ये, रंग इंसान में भी रह बदलता है ये। कभी तन्हा कभी साथ चलता ये वक्त, कभी तन्हा कभी साथ चलता ये वक्त। नमस्कार, मेरा नाम अंकुश डोभाल है और मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का छात्र हूँ। कोरोना से कैसे बचा जा सकता है ये आप सभी जानते हैं। हमें मूल स्वच्छता शिष्टाचार का पालन करना है और हम कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन कोरोना के इस दौर में जो सबसे घातक चीज है वो है फेक न्यूज। देश भर के साथ साथ आज प्रदेश में भी फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैल रही है और ये फेक न्यूज बहुत ज्यादा घातक है क्योंकि ये लोगों में पैनिक क्रिएट करता है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोरोना से जुड़ी कई फेक न्यूज हमारे क्षेत्र में फैली, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हुआ। लोग गलत चीजों पर विश्वास करते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम ना ही फेक न्यूज को फैलाएं, और यदि हमारे पास फेक न्यूज कोई ऐसी आती है तो हम उसे फॉरवर्ड भी ना करें। हम लोगों को समझने की जरूरत है कि तब तक किसी भी जानकारी पर हम विश्वास ना करें जब तक उसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि ना की गई हो।
तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं आज उनके फेसबुक पेजेस बने हुए हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं। हमें आवश्यकता है कि हम केवल उन्हीं जानकारियों पर विश्वास करें जो आधिकारिक रूप से सही हो और जिनकी आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई हो। नमस्कार। टुडे व्हेन द वर्ल्ड द एंटायर ह्यूमैनिटी आवर नेशन इंडिया आर कोपिंग अप अगेंस्ट वन same enemy, COVID-19. The pandemic has infected more than 40 lakh people and claimed more than 268,000 lives worldwide. And the world is working together for the sake of humanity, for the sake of human lives. This virus has taught us it is not the large number of missiles or nuclear weapons that we need to generate, but instead, it is the upliftment of living conditions, of medical facilities and scientific innovation that will basically determine which is a superpower, which is a leading nation. I am quite happy to tell you that today, India and Indian government are doing tremendously well in coping up this pandemic. And the credit for this wellness goes to all the schemes of the government and swift decisions it has taken so far. I am quite sure that you all must be aware of all the swift decisions, including the lockdown or physical distancing that the government has implemented so far. So I am here to talk about the policies that basically has helped the government efficiently to work in this chaotic situation. It is quite interesting to know that all these policies were basically initiated or started during the last tenure of the government. So these policies are as follows. Number one, the Swachh Bharat Abhiyan. Number two, Digital India. Number three, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. And number four, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. The very first, that is Swachh Bharat Abhiyan, was started on 2nd October 2014 with the slogan, One Step Towards Cleanliness. And today, the entire world will agree that the strongest weapon to fight against this virus is to maintain personal and community-based hygiene. So it was the far-sightedness of the government to have initiated such a plan long back in 2014. Today, most of the Indians are aware about the importance of hygiene. And it has helped in controlling the community level spread of COVID-19. The second policy that I'm going to discuss is Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. That was initiated in 2014. Its main aim was to bring the common people from the lower strata, both in cities and villages, in direct contact to the banking system of the country. At those days, it was a thing to be questioned that what is the benefit of creating bank accounts without balance. But today, when this pandemic struck the entire world, we know that it is with the help of these accounts that the government is able to give direct aid to all the needy people. Example, a sum of ₹1500 is deposited in the bank accounts of all the BPL family members. Now, next scheme is Digital India that was initiated in 2015. Its aim was digitalizing the country and bringing proper and more developed internet connectivity in villages and towns. Today, every panchayat is directly linked to the government's, both state or central. They can directly ask for aid from the authorities.
We can study online because of this digitalization, and people can work from home in safer environment due to this. Last but not the least is Pradhan Mantri Ujjwala Yojana that was started in 2016. This Yojana provides free LPG connection to more than 50 million BPL families of the country. So now, the female or male folk of the villages or towns are not bothered about collecting fuel wood for cooking because safely gas cylinders are provided at their doorsteps. So we can see how these initiatives or schemes has helped the government to work in a well-organized manner in this chaotic situation. I hope you'll agree to me, and together as citizens of India we'll continue rendering our support to government in fighting and winning this battle. Because I know today time is hard, but hard time does not mean that the situation is impossible to win, and we'll surely win. So thank you, and I wish you good health and safety. Namaskar. Hello everyone, mera naam Anamika hai. Hum sabhi jante hain ki hamare society mein COVID-19 ki wajah se ek lockdown ki sthiti bani hui hai. Bas usi se regarding apni ek poem lekar aayi hu jiska naam hai Ekta. Aaiye shuru karte hain. Aaj apni is ekta ka kuch aisa प्रमाण दे जाना है। आज अपने इस एकता का कुछ ऐसा प्रमाण दे जाना है कि सबसे थोड़ी दूरी बनाकर उनसे अपनापन जताना है। आज अपनी इस एकता का ऐसा प्रमाण दे जाना है। दिल से सबका आदर करना, दिल से सबका आदर करना, पर हाथ ना मिलाना है। भावनाओं से भरी स्थिति को अपने विवेक से निभाना है। अब तिरस्कार की भावना नहीं है इसमें, तिरस्कार की भावना नहीं है इसमें, बस ख्याल जताने का एक नया बहाना है। सबसे थोड़ी दूरी बनाकर उनसे अपना बन जताना है। आज अपनी इस एकता का कुछ ऐसा प्रमाण दे जाना है कि सबसे थोड़ी दूरी बनाकर उनसे अपना बन जताना है। अब गर्बात सकारात्मकता की है, गर्बात सकारात्मकता की है, तो क्यों ना इसमें से भी कुछ ऐसा ढूंढ लाएं हम। जिंदगी के इन लम्हों को रोककर फिर से उस जिंदगी को जी जाएं हम, जहां अक्सर सुबह की धूप में बैठे गुफ्तगु की जाती थी, जहां अक्सर शाम की चाय के साथ ठहाकों की गूंज चली आती थी, जहां अक्सर कुछ किस्से कहानियां हम सब बच्चों के हुआ करते थे, जहां अक्सर बड़ों की कुछ अनुभवी बातें सबका दिल छू जाया करती थी। वो पल जिसका आज उस गुजरे कल में ठिकाना है, वो पल जिसका आज उस गुजरे कल में ठिकाना है, मौका मिला है आज कि उसे फिर से ढूंढ के लाना है। आज अपने इस एकता का कुछ ऐसा प्रमाण दे जाना है कि सबसे थोड़ी दूरी बनाकर उनसे अपना बन जताना है। अब घर में बंद हो जाना इसमें कोई सजा भी नहीं है, और आपातकालीन छुट्टियां घूमने फिरने की कोई वजह भी नहीं है। अब समय मिला है तो स्थिति को खुद समझना और सबको समझाना है। घर में जागरूकता से रहकर इस वायरस को फैलने से बचाना है। आज अपनी इस एकता का कुछ ऐसा प्रमाण दे जाना है कि सबसे थोड़ी दूरी बनाकर उनसे अपनापन जताना है। आज अपनी इस एकता का कुछ ऐसा प्रमाण दे जाना है। सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप और हम मिलकर इसका सामना करेंगे तो जरूर इससे जीत पाएंगे, और सबका योगदान इसमें बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए कि आपका सबसे बड़ा योगदान ही आपका अपने घर में रहना है, क्योंकि अगर आप अपने घर में हैं तो सुरक्षित हैं, और अगर आप सुरक्षित हैं तो पूरा संसार सुरक्षित है। जाते जाते दो लाइनों के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। स्वर्ग जरूर है, और उसे धरती पर दोबारा से लाने का हौसला भी आप सभी में है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए,
और अपना योगदान इसी तरह इस COVID-19 से लड़ने के लिए देते रहिए। कोरोना वायरस से लोगों की हालत बहुत ख़राब है और ऐसे में हम लोग भी अपने घरों में बंद पड़े हुए हैं, तो ऐसे में एक कविता पेश है आप लोगों के लिए कि बंद सोने बाजार पड़े हैं, बंद सोने बाजार पड़े हैं, जमी थमी सी सड़कें हैं, चौखट पे कोरोना हो जाने को भड़के हैं, रंग वंग सब बेरंग है, रंग वंग सब बेरंग है, ना उत्सव है ना मेला है, जबरन अब सोना पड़े ऐसा कुछ जमेला है, हाथों में बस फोन पड़े हैं, मुख पे सुस्त जमाई है, बोरियत कुछ मिटाने को कुछ हंसी मीम्स से आई है, मगर बचपन याद दिला रहे हैं, मगर बचपन याद दिला रहे हैं वो दूरदर्शन के टीवी शोज, और इस नेटफ्लिक्स के दौर में हम देख रहे रामायण डोज, और वो शक्तिमान भी है जिससे दुश्मन सारे डरते थे, और वो शक्तिमान भी है जिससे दुश्मन सारे डरते थे, और याद आ गए वो दिन भी जो वेट संडे का करते थे, कहीं पर तो खबर नहीं, कहीं पर तो खबर नहीं, और खबर है फेक कहीं, जन्मदिन तो आ गया पर आया बर्थडे केक नहीं, एक अलग तरफ है दुख उनका जो प्यार में पागल फिरते थे, एक अलग तरफ है दुख उनका जो प्यार में पागल फिरते थे, अब फोनों पे बतियाते हैं जो हर मौसम में मिलते थे। सब कुछ बंद जमा पड़ा है, सब कुछ बंद जमा पड़ा है, समाधान सब ढूंढ रहे और मजदूर मजबूर है यूं के सड़कों में भूखे घूम रहे, उन्हें देखिए लगता है वो कितना कुछ सह लेते हैं, उन्हें देखिए लगता है वो कितना कुछ सह लेते हैं, कोरोना हमसे ना किसी को फैले, चलो घर पे ही रह लेते हैं, स्टे से होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। आ ही गए हो तो नजरें भी चुरा सकते नहीं, हाथ जोड़कर करते हैं स्वागत, हाथ हम मिला सकते नहीं, परंपरा है अतिथियों का सत्कार करने की, इसलिए नजरें तुमसे चुरा सकते नहीं, हाथ जोड़कर करते हैं स्वागत, हाथ हम मिला सकते नहीं। तेरे आने से देश में मायूसी सी छाई है, जैसे एक आंधी काली घटा घेर लाई है, फिर भी नहीं डरेंगे तुमसे, क्योंकि चिकित्सा पद्धति सबसे पहले भारत में ही आई है। निपटने का तुझसे हर संभव प्रयास जारी है, तुमने तो फैला लिया अपना कहर, अब निपटने की आई तुम्हारी बारी है। निकाल फेंकेंगे तुमको इस देश की जड़ों से हम, डॉक्टर की मेहनत से बेफिक्र हो जाएगा हर एक नागरिक, जैसे वो इससे कभी घबराए ही ना थे, डॉक्टर की मेहनत समर्पण और उनके इस जज्बे को दिल से सलाम करती हूँ, कोई कितना भी कर ले बदनाम आपको, पर इस दुख की घड़ी में मैं आपको सत सत प्रणाम करती हूँ। तेरी वजह से कितना परेशान ये इंसान हो रहा है, कितनों की जिंदगी छीन ली है तूने, कितनों के घर उजाड़े हैं तूने, चहल पहल धरती थी जहाँ चारों ओर, सब ठिकाने तेरे कहर से हो गए हैं सुने सुने, हे ईश्वर हे अल्लाह इस दुख की घड़ी से बचा दुनिया को, जैसे निवारण करता है कष्टों का वैसे ही निपटा दे इस महामारी को। हर जनमानस की प्रतिरक्षा की शक्ति बढ़ा देना तू, वायरस के हमले से पहले वायरस को ही मिटा देना तू। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए साहित्यकारों और कलाकारों के साथ और उनके नए विचारों के साथ। तब तक घरों में रहे, सुरक्षित रहे और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और सरकार के नियमों का पालन जरूर करें। नमस्कार।